नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक आपके साथ। मैं हूं अमित तिवारी। ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा चेहरे कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी को गुस्सा आया और जमकर हल्ला बोल दिया बीजेपी की, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, शिवराज सरकार। दरअसल इंदौर में गांधी भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीतू पटवारी का गुस्सा निकला बीजेपी सरकार पर। सबीरा के बेटे को विस्कोट अल्ड्रिक सिंड्रोम है। ये एक रेयर जानलेवा इम्यूनिटी की बीमारी है। आपकी एक छोटी सी मदद सबीरा के बेटे को नई उम्मीद दे सकती है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और इस नन्ही सी जान की उम्मीद बने। शिवराज सरकार पर जमकर हल्ला बोलते हुए जीतू पटवारी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री कहते थे कि माफियाओं को 10 फीट नीचे गाड़ देंगे, लेकिन प्रदेश में आदिवासियों को 10 हाथ नीचे गाड़ दिया जाता है, तब कानून व्यवस्था कहां जाती है। इसके अलावा यही नहीं रुके जीतू पटवारी ने तमाम मुद्दे हों, प्रदेश से जुड़े हों, देश से जुड़े मुद्दे हों, बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने कह दिया कि कमलनाथ की सरकार के वक्त अपराध था नहीं, इस सरकार में बीजेपी सरकार में अपराधीकरण तेजी से बढ़ा है। साथ ही साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर भी जमकर निशाना साधा जीतू पटवारी ने। कहा कि वो सरकार, शिवराज सरकार दावे करती थी, शिवराज सरकार, कि 1 महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन 1 महीने में अगर 1,000 लोगों को भी रोजगार मिला है तो सरकार बता दे कि किन 1,000 लोगों को रोजगार मिला है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से लेकर वो तमाम मुद्दे जिन पर कांग्रेस अब सरकार को घेर रही है, उन तमाम मुद्दों पर जीतू पटवारी मुखर होते हुए नजर आए। यहां तक कि निजी मीडिया हाउस जो है, मीडिया समूह पर जो आयकर के छापे पड़े, उसको लेकर भी बड़े सवाल उठाए और कह दिया कि सच बोलने वाले इस तरीके से मीडिया समूह को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम मुद्दे हैं जिन पर जीतू पटवारी जमकर बरसे। 1000 करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश को ये शिवराज सिंह जी सरकार लेके आई। मैंने 5 बार विधानसभा में, 5 बार मीडिया के सामने इस बात को कहा, जिसका ब्याज मध्य प्रदेश का कुल बजट में कुछ भी विकास के लिए नहीं बचेगा, वो स्थिति निर्मित कर दी। मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने की बात थी, आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, कर्जदार मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी ने बनाया। 40,000, 44,000, 48,000 करोड़ का कर्ज की मेरे देश के प्रधानमंत्री से 5.5 GDP का और परमिशन कर्ज की बढ़ानी है, ये लेने गए थे शिवराज सिंह जी थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले की बात है। तो ये लोगों ने देश और प्रदेश को बेचने का काम किया। शिवराज ने मध्य प्रदेश बेचने का काम किया, मोदी ने देश बेचने का काम किया। इसी का तो विरोध करती है कांग्रेस पार्टी और इसी का विरोध करती है देश की मीडिया, उस पर ये इस प्रकार की कार्रवाई होती है। हम मीडिया के साथ हैं, धन्यवाद। और किस तरीके से जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा, सुन लीजिए। कमलनाथ जी से पूछा था और उन्होंने इसका जवाब बहुत अच्छा दिया, मैं उसी को दोहराता हूँ। PCC में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, थे और रहेंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 का चुनाव होगा। 2023 नवंबर के बाद कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इस प्रदेश के आमूलचूल परिवर्तन, नए लोगों को सामने लाकर पार्टी अपने संगठन बनाने की नई तैयारी कर रही है, जिस पर कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में संगठन के प्रभारी भेजे, उसी तारतम्य में आज यहाँ भी मीटिंग है। मैं मानता हूँ हम सजग हैं, अलर्ट हैं, युवाओं को भागीदारी देने के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है, पर 2023 नवंबर के बाद कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कुछ अस्पष्ट दिखा आपको, स्पष्ट है सर? हाँ, सुना आपने। जीतू पटवारी आक्रामक मूड में नजर आए, हल्ला बोल दिया बीजेपी सरकार पर। दरअसल इन दिनों जिस तरीके के मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस जो है वो तेजी से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस में कमलनाथ कांग्रेस का बड़ा चेहरा या कहें कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नायक हैं। अब दूसरी पंक्ति की आप बात करेंगे तो जीतू पटवारी जो हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये है कि कांग्रेस के पक्ष को आक्रामक तरीके से रखने में उनको महारत हासिल है। अब इन दोनों चूंकि मुद्दा ऐसा हुआ, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे इस तरीके के मुद्दे सामने आए हो, जिन पर कांग्रेस को मौका मिल रहा है बीजेपी की सरकार को घेरने का, यही वजह है कि जीतू पटवारी जो है मुखर हो जाते हैं और सीधे हल्ला बोल देते हैं बीजेपी सरकार पर। एक बार फिर यही मौका था, एक मुद्दा मिला है और कांग्रेस आने वाले वक्त का जो रोड मैप बना रही है, जीतू पटवारी उस रोड मैप में अपनी आक्रामक शैली से कांग्रेस की बात को आगे तक ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि सियासत में जीतू पटवारी जो है एक आक्रामक और तेजी से मुखर होते हुए चेहरे के तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। इंदौर से आप तक ये खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। आप देखते रहे।